لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد सलवातुल्लाहि अलैहि व अला आलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन सियम अला बकियतिल्लाहि फिल आलमीन व खातमे अइम्मतिल मअसूमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फिदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ व लअनतुद दाइमतुल बाकियतु अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व ग़ासिब हुकूक़िहिम अजमईन अम्मा बाद فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صلوات برده مر محمد وعلى اله وصحبه اعزائي الكرام جب ہم دنیا میں اپنے لیے کوئی مکان تعمیر کرواتے ہیں گھر بنواتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں دکان ہے یا کچھ بھی तो उसका तरीक़ा ये है कि पहले तो आप अब तो ठेके का ज़माना आ गया तो लिहाजा आपको कुछ पैसा पहले देना होता है कुछ बाद में देना होता है। बहरहाल अब वो ठेके पे है तो पहले क्या था कि भाई मजदूरी आपको अलग से देनी है सब, अब तो आपने इकट्ठा दे दिया, वो ठेकेदार जाने और वो उसका काम वो सब तकसीम करेगा। तो जब आप घर तामीर करवाते हैं तो तरीक़ा क्या बताया अहले बैत ने कि मजदूरी पहले ही दे दिया करो। मगर जब आपने घर बनवाया, घर पूरा मुकम्मल तामीर उसने कर दी, बिल्कुल फ़ाइनल हो गया, फिनिशिंग बिल्कुल हो चुकी, सब कुछ तैयार, अब मौका है कि आपको पैसा देना है, आपने पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा आपने उसका नहीं दिया। अब आप साहब रहने भी लगे, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब कुछ ठीक, नमाज रोज़ा सब चल रहा है उस घर में, तो क्या ये सारे आमाल आपके लिए जायज़ होंगे? नहीं होंगे। मजदूरी अभी नहीं दी है, लिहाजा ये सारे जितने भी इबादत से, इबादत तो छोड़िए, आपका रहना ही जायज नहीं है। आपकी वहां पे कोई भी चीज इस्तेमाल करना, वहां पे पानी आ रहा है तो आपका वुजू सही नहीं होगा, आप उस वुजू से मस्जिद जाकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो पानी आपके लिए सही नहीं है। आपका गुस्ल आप करेंगे, गुस्ल बातिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इबादतों पर असरअंदाज साबित होंगी अगर आप मेहनत और उजरत उसकी नहीं दे रहे हैं और मुस्तकिल रहे पड़े हैं। तो जब तक रहेंगे तब तक गासिब कहलाएंगे। जब तक उस घर में आप रहें, आपकी बात के औलादें रहें, जब तक पैसा नहीं अदा हो जाएगा, उजरत अदा नहीं हो जाएगी, आप गासिब कहलाएंगे, यानी आप ज़बरदस्ती के घर के मालिक बने बैठे हैं, मालिक हैं नहीं, आप अहले खाना हैं नहीं, अहल बने बैठे हैं। तो यानी आप घुसपैठिए हैं, मालिक के मकान नहीं होंगे किसी भी सूरत में, ये बात बिल्कुल मुसल्लम है। अच्छा, या आप दीन के दायरे में देखें तो भी, या आप अपने निज़ाम दुनिया के एतबार से देखें तब भी, अगर आप अपने गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं उस हिसाब से भी देखेंगे तब भी, गवर्नमेंट आपको अलाउ थोड़ी करती है कि जो चीज़ आपकी मिल्कियत नहीं आप उसमें रह नहीं सकते। तो जब तक उजरत नहीं देंगे काम ख़राब हो जाएगा, इबादतें ख़राब हो जाएंगी, उठना बैठना सब उसमें नाजायज़ होगा। अब आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप एक घर बनाने के बाद मजदूरी दिए बग़ैर आप उसमें रह नहीं सकते, नमाज रोज़ा नहीं कर सकते, इबादतें नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब सिरे से ना कबूल होंगी, सब रद्द कर दी जाएंगी क्योंकि आप उसके अहल नहीं हैं, उस मकान में रहने के काबिल नहीं हैं, आप उसके असली वारिस नहीं हैं, आप उस घर के ज़बरदस्ती घुसे बैठे हैं, आप मालिक नहीं हैं। तो जिस तरह अगर ये मसला है तो फिर वो मसला कहाँ जाएगा कि जब रसूल कह रहे हो कि हमारे अहले बैत से
मवद्दत अजर रसालत है। तो अगर आप कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसार में आ गए हों और मकान रसालत में रहना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज सही हो, रोज़ा दुरुस्त हो, ज़कात सही हो, खुम्स सही निकले, जिहाद सही हो, अमर बिल मारूफ कर पाएँ, नहीं अनिल मुनकर कर पाएँ, तवल्ला सही हो, तबर्रा सही हो, अगर आप जितने फुरूए दीन हैं इनको जायज़ करना चाहते हैं, तो अली बिन वलीउल्लाह कहना पड़ेगा। जब तक अजर रसालत नहीं अदा होगा आपका दायरे इस्लाम में रहना नाजायज है। नारे सलवात, आप दीन इस्लाम में घुसपैठिए तो कहलाएंगे, मुसलमान नहीं कहलाएंगे। तो आप जबरदस्ती घुसे बैठे चे जाए कि आप हक अदा ना करके उस मुकाम पर बैठ जाएं कि जिसके तो आप बिल्कुल लायक नहीं है। अव्वलन तो आप दीन इस्लाम में नहीं है, आप मुसलमान ही नहीं हैं, तो दूसरी चीज़ तो आप वहाँ बैठ गए कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ रसालत होगी या जानशीन रसालत हो, वहाँ के तो आप बिल्कुल लायक नहीं हैं, क्योंकि आप पहले तो दीन इस्लाम में अपने आप को आने को साबित कीजिए, उसके बाद वहाँ तक की सोचिए भी नहीं, क्योंकि वो मामला अल्लाह का है, रसूल का भी नहीं है, इंतखाब रसूल का भी नहीं है, अल्लाह करवाता है। तो आप तो इतने ही आगे बढ़ के बैठे हुए हैं, तो आप किस मेयार के गासिब हैं, आप किस मेयार के घुसपैठिए हैं, आप ख़ुद फैसला कर लीजिए। और उसके बाद साहब एतराज़ ये कि नहीं साहब बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, भाई बुरा नहीं कहते, हम भी एहतराम करते हैं, किसने कहा, हम भी उस शख्स को गलत कहते हैं और उस पर लानत भेजते हैं कि जो असहाब पैगम्बर पर तबर्रा करता हो या इस तरह की बातें असहाब पैगम्बर के लिए कहता हो, हम भी उसके मुखालिफ हैं। अगर कोई सलमान के ख़िलाफ़ बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, कोई अबूज़र के ख़िलाफ़ बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई हमारे यासिर को कुछ बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। असहाब हों तो ऐसे हों कि जो ख़ुद पैगंबर के मोतबर हों, वो ना हो कि जो ख़ुद रसालत में शक करते रहे हों। तो जब ख़ुद जो मशकूर के रसालत हों, रसालत में शक करने वाले हों, उनको जब रसूल ने ना माना तो हम क्यों माने भाई। कुरान मजीद जब लानतें भेज रहा है कि जो मैदान जंग से फरार कर जाते हैं रसूल बुला रहे हों और ये मुड़कर देखते भी नहीं कि रसूल बुला रहे हैं, कुरान लानत कर रहा है। कुरान कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल जिस चीज़ की तरफ दावत दें लब्बैक कहो, चूँकि वो तुम्हें हयात देंगे। अब जो नहीं आ रहा है तो वो मुर्दा ही तो है, उसके पास ईमान की हयात नहीं है, वो मुर्दा है। तो भाई हम एहतराम करेंगे, हमारे यासिर जैसा किरदार हो तो करेंगे, वैसे करनी जैसा किरदार हो तो करेंगे, मालिक बिन नुवैरा जैसा किरदार हो तो करेंगे। कौन है मालिक बिन नुवैरा? इनको रसूलुल्लाह ने ज़कात, जो टैक्स होता था, ज़कात के माल को लेने के लिए ज़िम्मेदार बनाया था। जब पहले साहब तख्त खिलाफत पर बैठे तो जाहिर सी बात है मालिक बिन नुवैरा ने कहा कि हम आपको तो टैक्स नहीं देने वाले, क्योंकि पहले तो आप रसूल की जगह पे जानबूझकर बैठे हैं और आप असली जानशीन नहीं हैं। जब आप असली जानशीन नहीं हैं तो हम ये जो ज़कात का पैसा है आपको हम क्यों देंगे, आपको हम नहीं देने वाले। तो इन्होंने बाकायदा खालिद बिन वलीद के ज़रिए से लश्कर भिजवा दिया, और ख़ुद अहले सुन्नत की किताबों में ये रवायतें मौजूद हैं, हम लोग अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहे। लश्कर भिजवा दिया, वो गए बाकायदा, उन्होंने मालिक बिन नुवैरा से दो दो चार हुए, दो बदू हुई, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। उसी रात उनकी जौजा के साथ बदफेली भी की। ये सब खालिद बिन वलीद का किरदार। उसके बाद यहाँ तक की रवायतों मिलता है जब ये वापस लौटे हैं मदीने तो दूसरे साहब बहुत नाराज थे। इन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसने बदकिरदारी की है, एक गलत काम किया, एक सहाबी रसूल को मारा है। तो पहले साहब क्या कहते हैं कि नहीं, उससे गलती हो गई, इश्तिहाद में ख़ता हो गई, और इश्तिहाद के लिए पैगंबर ने कहा है कि अगर कोई इश्तिहाद कर रहा है तो अगर सही मसले तक पहुँच जाए तो उसको दोहरा सवाब है, नहीं पहुँचे तो एक सवाब तो मिल ही जाएगा इश्तिहाद का। लिहाजा इस गलती के बावजूद ये कह रहे हैं कि इन्होंने इश्तिहाद किया, लिहाजा गलती के बावजूद भी इनको एक सवाब मिला है। तो ये तो दीन पैगंबर के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बाद पैगंबर ये शरीयतें बदली जा रही थी। तो जब असहाब को इस तरह से कत्ल किया गया, अबू ज़र को किसने मारा, जनाब अम्मार को किसने कत्ल किया, ये सब क्या आम लोग थे? जय्यद असहाब पैगंबर थे, सलमान फारसी, मीसम तम्मार, ये सब कौन थे? आम लोग थे। सारे असहाब जानते थे कि ये असहाब मखसूस हैं पैगंबर के,
सलमान तो इतने मखसूस है कि घर से आना जाना, शहजादी गौनैन की कितनी रवायतें जनाब सलमान से मिलती हैं हम लोगों को, क्योंकि शहजादी ने बैठ के बुजुर्ग थे, उम्र दराज थी, पैगंबर से बहुत बड़े थे, मगर सहाबियत का दर्जा था, मुकाम था। ऐसे किरदार वाले हों तो हम उनको मानेंगे। करबला के मैदान में आप देखिए क्या असहाब नहीं है, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम बिन औसजा, ये लोग कौन हैं? ये सुलेमान खोलानी और भी तकरीबन 5 से 6 अफराद करबला के शुहदा में वो हैं कि जो असहाब में से थे, सारी दुनिया जानती थी कि ये असहाब हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर तो वो हैं कि जो पैगंबर के साथ भी रहे, मौलाए मुत्तकियान के दौर में रहे, और इनको मौलाए कायनात इल्म मनाया और बलाया सिखाया था, यानी मुस्तकबिल के इल्म क्या होते हैं वो मौलाए कायनात ने सिखाए थे। बाकायदा हबीब इब्न मज़ाहिर और जनाब मीसम तम्मार ने जब मुलाकात की है एक बार, तो बाकायदा जनाब मीसम तम्मार से इस बात पर डिस्कशन हुआ है दोनों का, और जनाब मीसम ने बताया कि हबीब तुम ऐसे ऐसे करबला जाओगे, तुम्हारी शहादत ऐसे ऐसे होगी। तो ये किस मेयार के असहाब थे, इनको हम मानते हैं, इन पर अकीदा रखते हैं, क्योंकि ये वाकई जानिसार हुसैन थे, इन्होंने हक रिसालत अदा किया है, और ये दीन इस्लाम के घुसपैठिए नहीं थे, पक्के मुसलमान थे। ये अदाए हक रिसालत करने के बाद पक्के मुसलमान थे, और करबला के मैदान में जितने मुसलमान बन के सामने आए हैं आप उनका किरदार देख लीजिए, उनका किरदार क्या था। आदमी का किरदार बता देता है कि वो किस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, किस माशरे से जुड़ा हुआ है, किस कम्युनिटी का पैरोकार है, किसको फॉलो कर रहा है। तो किरदार बताता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप असहाब हुसैन का किरदार देख लीजिए और उसी के मुकाबले जीजियों का किरदार देख लीजिए, खुद ही फैसला कर लेंगे कौन हक पर है कौन बातिल पर। हर लाख बुरा सही, मगर एक मारिफत जो जगाई इमाम हुसैन ने उसके कलेजे में, जब इमाम हुसैन ने कहा था सकलत कौमुक तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, मेरा अपना अकीदा है, लोग कहते हैं कि अरब की ज़बान में ये एक किस्म की गाली थी, बदकलामी थी। मैं इस बात को नहीं मानता कि इमाम वक्त की ज़बान से ये बदकलामी हो सकती है, बल्कि ये बदकलामी मैं इसलिए दलील दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं, कि इमाम ने यह कहा कि हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो जनाब हुर ने उस वक्त जवाब क्या दिया पलट कर, ए हुसैन अगर आपकी माँ मेरी नज़र में मोहतरम ना होती तो मैं इसका जवाब देता। हुसैन ने वो बदकलामी नहीं की थी, बल्कि वो छुपी हुई मारिफत जो जनाब जहरा की थी उस मारिफत को उनके दिल में जिंदा किया था। अगर ये जुमला ना निकलता तो उसे जनाब जहरा की मारिफत का वो एहसास होता जो उसने उस वक्त इकरार किया, नहीं होता। इमाम ने उस हिस्स को बेदार किया है इमाम हुसैन ने, यह किरदार है अहले बैत का। तो ऐसे ऐसे जानिसार, ऐसे ऐसे तरीके से इमाम हुसैन ने लोगों को अपना गिरविदा बनाया, किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से, जैसे हो सका। दो शुहदाए का बला तो ऐसे हैं कि जो शबे आशूर तक, आप तारीख पढ़िए, तारीख जब नहीं सामने आती है तो हमें जाहिर सी बात नहीं पता होगा, तारीख पढ़िए, दो अफराद उमर साद के लश्कर में थे, दोनों भाई सगे, लेकिन जब इमाम हुसैन ने कुछ मशवरे दिए और इन लोगों ने रद्द कर दिए, इमाम ने कहा था कि मुझे रोम जाने दो, मुझे हिंद जाने दो, मुझे इराक से बाहर जाने दो, तुम्हारी हुकूमत से बाहर निकल जाऊंगा, ये सारे मशवरे दिए उन्होंने, जब रद्द कर दिया उमर साद ने इन सारे मशवरों को, तो ये दोनों अफराद जब देख रहे हैं कि फर्जंद पैगम्बर की गुजारिश को ठुकराया जा रहा है, तो उसी रात शब आशूर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। आप क्या सोचते हैं सिर्फ हुर एक अकेला आया है, हुसैन ने कितनों को हुसैनी बनाया है, एक अकेला हुसैन कितनों को हुसैनी बना चुका, किरदार था। और ऐज़ाने ग्रामी हैरत की बात तो ये है कि क्या जाने सारी थी। शबे आशूर जब इमाम ने कहा है कि जाओ चिराग गुल कर ये देता हूँ, अब जो चिराग जलाया गया तो देखा सब अपनी गर्दनों पर तलवार रखे हैं और कह रहे हैं फर्जंदे पैगंबर कैसी बात कर रहे हैं आप, अगर हमारी जानें हज़ार बार भी ली जाएं और हर बार हमारे जिस्म को जला दिया जाए, हमारी खाक को फिजा में उड़ा दिया जाए, फिर भी जब जिंदा किए जाएंगे आपकी नुसरत में रहेंगे, हमेशा आपकी नुसरत करते रहेंगे, इस जानसारी के साथ, इस जज्बे के साथ। एक दफ़ा एक सहाबी इमाम का सुबह के वक्त लोग आपस में
अब आप सोचिए कि जनाब बुरैर के बारे में रवायतों में मिलता है या जनाब नाफे बिन हिलाल, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, एक दफ़ा इमाम हुसैन शब के वक्त निकले लेकर हिलाल को, और उसके बाद कहते हैं और हिलाल जब देखा कि फरजंदे पैगंबर अकेले जा रहे हैं तो हिलाल पीछे पीछे, कहाँ मौला कहाँ, तो इमाम ने कहा तू मेरे पीछे आ रहे हो, अच्छा चलो मेरे साथ चलो। इमाम मैदान कबला में आए, उसके बाद हिलाल से कहते हैं हिलाल ये ज़मीन देखो, ये वो ज़मीन है जहाँ मेरे लिए अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी। फिर इमाम आगे बढ़े कहा हिलाल ये मुकाम देखो, यहाँ पे हबीब फिर मज़ाहिर दम तोड़ेंगे। ए हिलाल ये मुकाम देखो, यहाँ कासिम आखिरी सांसें गिनेगा। ए हिलाल ये मुकाम देखो जहाँ अब्बास के बाजू कलम किए जाएंगे। हुसैन एक एक मुकाम बताते जा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हिलाल ये मुकाम देखो जहाँ पे मैं अपने शिशमाहे को लेकर आऊँगा और अपने हाथों पे लिए होऊंगा और इनसे सवाल करूँगा ए फौज अशकिया अगर मैं गुनहगार हूँ तो इस बच्चे ने तुम्हारी नज़र में क्या ख़ता की है, इसको क्यों पानी देते। हाँ जी जाने ग्रामी हुसैन सवाल आप करेंगे मगर जवाब में पानी तो नहीं आया, एक सनसनाता हुआ तीन भाल का तीर आया जिसने अली अकबर को ज़िबह कर दिया। छोटा सा गला है, तीन भाल का तीर है, वज़न कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। गला ज़िबह हो गया, हुसैन के बाजुओं में वो तीर पेवस्त हो गया। हुसैन अली अजगर का खून लेते हैं, उसके बाद चेहरे पे मल लेते हैं और उसके बाद इमाम ने इरादा किया कि अब चाहते हैं कि किसी तरह से खैमे की तरफ जाएं, मगर दर खैमा पे जाते हुए कई बार सोचा, जब हिम्मत जुटा के दर खैमा पे आए तो एक दफ़ा तारीख कहती है हुसैन ने आवाज़ दी रबाब आओ अपनी अमानत को वापस ले जाओ, आओ वापस ले जाओ अपनी अमानत को। तारीख कहती है कि रबाब से पहले एक चार साल बच्ची सकीना आ गई और कहती बाबा आप अली असगर को पानी पिलाए, मैं तो प्यासी हूँ। जाने ग्रामी सकीना जैसे ही आई हुसैन ने अबा का दामन हटाया। अब जो सकीना ये देखा हैरान और शजदर, इतने में रबाब आती है आका ये क्या। अब जो अली असगर को देखा नन्ना सा गला फूल सा गला खून में लथपथ है। हाँ जी जाने ग्रामी माँ की जबान में बस एक जुमला आया ए मेरे लाल मुझे नहीं पता था तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। वसयअलमुल लजीना ज़लमू अय्याम क़ल्ब यन्क़लबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इस अज़ा खाने के तुफैल में हम सबको इस वबा से जल्द अज जल्द नजात मरहमत फरमा, इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, क़ल्ब मुक़द्दस इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा।